Hello everyone, Pooja here from Easy Vastu. I'm a tarot card reader, numerologist, vastu consultant and an astrologer. And आज का ये वीडियो है रिगार्डिंग कुछ स्पेशल कहानियाँ आप सबके लिए. मैं साप्ताहिक राशिफल के स्टार्टिंग में ज़रूर कुछ ना कुछ कहानियाँ बताती हूँ, कुछ ना कुछ स्टोरी शेयर करती हूँ. बट कई बार क्या होता है साप्ताहिक राशिफल उसकी वजह से थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है. सो कई बार जो लोग रेगुलर व्यूवर्स हैं, न्यू व्यूवर्स हैं, वो कई बार डिस्टर्ब हो जाते हैं कि उनको लगते हैं ये इतना बड़ा एक्सटेंड क्यों हो रहा है. तो मैंने बोला चलो ठीक है, मैं अलग से इसका वीडियो बना देती हूँ. तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप इस तरीके की वीडियोस और चाहते हैं, तो इसको लेकर भी मैं डिफरेंट वीडियोस ज़रूर बनाऊंगी. नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा. तो मैंने कहा चलो आराम से एक अलग ही वीडियो बनाते हैं. तो ना मैं इस वजह से ना साप्ताहिक राशिफल के जब स्टार्टिंग में कहती हूँ तो मेरे को कहानियाँ ना छोटी करनी पड़ती हैं, पूरी दिल से बात नहीं कर पाते हैं. तो मैंने बोला चलो एक अलग से वीडियो बनाते हैं. ये जो मैं कहानियाँ सुनाऊँगी आई थिंक बहुत लोग इसको जानते भी होंगे, पता भी होगा, और ये मेरे दिल के बहुत करीब है, बहुत इसका स्पेशल मैसेज है. तो आराम से चाय वाय बनाकर सुकून से सुनिएगा. इसके ऊपर पूरी अच्छे से हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. कहानी कुछ ऐसी है भी तो अल्बर्ट आइंस्टाइन की है, कि आई थिंक बहुत लोग पता होगा तो ठीक है, मेरे वर्जन में भी सुन लीजिएगा. बट एंड मॉरल स्टोरी भी हम डिस्कस करेंगे. तो अल्बर्ट आइंस्टाइन की स्टोरी है कि एक बार वो जब छोटे होते हैं तो अपने स्कूल से आते, एक लेटर लेके आते हैं, उनके टीचर ने उनको दिया होता है, वो अपनी माताजी को जाकर देते हैं वो लेटर और कहते हैं कि जी ये लेटर मेरी टीचर ने मुझे दिया है, मम्मी आप मुझे पढ़ के सुना दो इसमें क्या लिखा है. तो मम्मी लेटर खोलती हैं और उसमें पढ़ती हैं कि टीचर ने लिखा है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप बहुत स्मार्ट हो और आप इतने जीनियस हो कि वो स्कूल आपको उस तरीके की नॉलेज दे ही नहीं सकता है. तो उन्होंने लिखा है कि हमारा स्कूल आपके बेटे के लिए बहुत छोटा है, आप इसे कोई और स्कूल में लेकर जाइए जो इसके ज्ञान को समझ सके, बिकॉज़ आपका बेटा एक जीनियस है. या तो आप इसे घर पर पढ़ाएं, घर पर जिस प्रकार की एजुकेशन चाहता है इसे उस तरीके की एजुकेशन दें. इस तरीके से माँ उसे लेटर पढ़कर सुनाती है. तो बच्चा बड़ा खुश हो जाता है, अच्छा मम्मी मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ इसीलिए मुझे स्कूल से कह रहे हैं कि और मेरे लिए बड़ा स्कूल देखें और मेरे लिए अच्छी अच्छी चीज़ें आप घर पे करें ताकि मेरी जो एजुकेशन है, जो एक्सपेरिमेंट्स है वो और अच्छे से हो सकें. माँ कहती है जी यस. तो उसके बाद कुछ दौर ऐसा चला कि उनकी माताजी ने उनको घर पे पढ़ाया लिखाया, एंड रेस्ट इज द हिस्ट्री. एवरीबडी नोज दैट कि आइंस्टाइन कौन है, क्या है. उन्हें बाद में वर्ल्ड का सबसे बड़ा जीनियस अवार्ड भी मिला है, उसके लिए वो जाने भी जाते हैं. सो हमें उसके बारे में आइंस्टाइन कौन है इसकी चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है. आगे बढ़ते हैं कहानी पे. तो जब आइंस्टाइन बूढ़े हुए, ओल्ड हुए, तो उन्होंने अपने माताजी के जो भी उनके स्टोर होता था वहाँ पर जाकर उन्हें वो लेटर दोबारा मिला जो उन्होंने टीचर ने दिया था अपनी मम्मी को जाकर सुनाना या देना. जब आइंस्टाइन ने लेटर पढ़ा तो उस लेटर में लिखा था कि आपका बेटा एक्चुअली मेंटली इल है, वो सही से चीज़ें समझ नहीं पाता है, उसको तो बेसिक थिंग्स भी नहीं आती हैं, तो वो हमारे स्कूल के लायक नहीं है. आप उसे घर पे पढ़ाइए, कोई और स्कूल ले जाइए, कल से उसे स्कूल भेजने की ज़रूरत नहीं है. माय गॉड, आई एम गेटिंग गूज बम्स. तो ये कहानी जब वो सुनते हैं, जब वो लेटर ये पढ़ता है आइंस्टाइन, तो उनके दिल में कहीं ना कहीं कोई भी बच्चा होता है वो शॉक में ही चला जाएगा, भाई लिखा क्या था और मुझे कहा क्या गया और मुझे मेंटली इल कहा गया, मैं क्या से क्या बन गया हूँ. तो आइंस्टाइन ने फिर तब फैसला लिया था कि ये कहानी मैं ज़रूर अपनी किताब में लिखूँगा, अपनी बायोग्राफी में ये चीज़ लिखूँगा कि अगर माँ बाप चाहें तो अपने बच्चों को सपोर्ट दें, चाहे उनकी जो भी क्रिएटिविटी हो, जिस तरीके से भी हो, एक माँ बाप का सपोर्ट बहुत मैटर करता है उनके बच्चों के लिए. मैं कहूँगी माँ बाप ही नहीं, हमारी ज़िंदगी में हमें खुद भी अपने आप को अच्छे शब्द ही कहने चाहिए, चाहे हमारे सामने हमारे पड़ोसी हों, ऑफिस में कोई हो, कहीं पर भी हो, शब्द हमेशा अच्छे यूज़ करने चाहिए. किसी को अगर आप अच्छे शब्द कह दें शायद उसका उस बुरे वक्त में वो इतना सहारा बन जाए कि वो अपना बुरा वक्त भी काट लेगा, एंड क्या पता वो उसकी पॉजिटिविटी आप अपने शब्द ऐसे कहें कि वो क्या से क्या बन जाए. हमारे पास सामने सीधा सीधा प्रूफ है इस चीज़ का कि जहाँ पर स्कूल ने उन्हें कह दिया कि आप मेंटली इल हैं, चीज़ों को समझ नहीं पाते, उनकी माता जी ने उसने इस तरीके से उन्हें पाला पोसा, जीनियस करार दिया, इतना भरोसा किया कि उस भरोसे के सहारे वो आज दुनिया जानती कि वो क्या है. तो ये सच बात है, हमें हमारे चाहे भाई बहन हो चाहे कोई भी हो, हमें उन्हें हमेशा ही एक सहारा बनकर अच्छे शब्द कहने चाहिए. ये नहीं कहना चाहिए कि भाई तेरा कुछ नहीं हो सकता. आम दुनिया में हम कैसे बात करते हैं, भाई तेरा अभी तक कुछ नहीं हुआ ना, आगे तो कुछ हो ही नहीं सकता. हम खुद दूसरों को क्या, खुद भी यही कहते हैं. तो हमेशा खुद पर भरोसा रखना चाहिए और
हमेशा अच्छे शब्द ही कहने चाहिए, तो अच्छे शब्दों का इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी है। स्थिति जैसी भी हो लेकिन सही शब्द अपने मुंह से निकलने चाहिए, इसका बहुत बहुत इम्पैक्ट पड़ता है आपके सबकॉन्शियस माइंड पे, आपके माइंड पे। सो ऑल दीज थिंग्स डू मैटर। एंड यही चीज़ हमने अपनी जो हमारी माता जी भी हैं, अगर जिन्होंने मेरे साप्ताहिक राशिफल देखे होंगे तो वो भी आई गेस हर माँ यही करती हैं। और ये दिस वीडियो इज़ ऑल्सो ट्रिब्यूट टू ऑल माई डार्लिंग एंड लवली मदर्स जो अपने बच्चों पर भरोसा करती हैं। बट मैं ये कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स का सबसे बड़ी ड्यूटी बनती है कि अपने बच्चों से अच्छे शब्द कहें, प्यार से कहें। आपको नहीं पता कि शायद आपका बच्चा ही अगला आइंस्टाइन हो या अगला कोई ग्रेट और कोई पर्सन हो, बट माँ बाप की भी ड्यूटी है, साथ ही साथ बच्चों की। जो टीनेजर्स भी मेरे वीडियोज़ देख रहे हैं, कई बार कॉलेजेस में बुली किया जाता है, मजाक उड़ाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई आपको बुरे शब्द आपको आकर कहता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे सच मान लें। सच आपको वही मानना चाहिए जो आप अपने आप से कहते हो, और इसीलिए जो आप अपने आप को कहते हो उसकी चॉइस आपके पास हमेशा होगी। तो हमेशा अपने आप को अच्छे शब्द कहिएगा। मैं हमेशा कहती हूँ मिरर में जाकर अपने आप को हमेशा कहिएगा। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसकी सीरीज़ मेरी अभी भी अधूरी है, मैं कंप्लीट करूँगी, बट एनी विच वेज ये एक डिफरेंट स्टोरी है उस कंसेप्ट को लेकर। सो द थीम लाइन जो एक जो छोटी सी चीज़ है ना, वो ये है कि अच्छे शब्द इस्तेमाल खुद के लिए भी करें, दूसरों के लिए भी करें। अगर आपका ओपिनियन है ना, एक और चीज़ इसी के साथ साथ ना, मैं एक और चीज़ की लेयर ऐड करना चाहूँगी जो मेरी मॉम ने हमेशा ही, जिनको भी मिलती है हमेशा कहती हैं कि ज़िंदगी में अगर आप किसी को अच्छा नहीं कह सकते हो किसी परिस्थिति में, या किसी को देखकर भी अच्छा नहीं कह सकते हो, तो एटलीस्ट बुरा मत कहो। तो अपने शब्दों पर ध्यान ज़रूर दें। अगर आप अच्छा नहीं कह सकते ना, हो सकता है भाई हमारा ओपिनियन है, हमें कोई पर्सन अच्छा नहीं लगता, हमें कोई परिस्थिति अच्छी नहीं लगती, हमें लगता है कि भाई तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तो हम अपने ओपिनियन रखना ज़रूर पसंद करते हैं। बट जब तक कोई एडवाइस ना मांगे, एडवाइस मांग भी लेना फिर भी अच्छे तरीके से कहना, क्योंकि आपके कहे गए शब्द किसे कितना हर्ट कर जाएं या किसे कितनी हिम्मत दे जाएं आपको नहीं पता होगा। तो इसीलिए ऑलवेज़ यूज़ अपलिफ्टिंग एंड पॉजिटिव वर्ड्स फॉर योरसेल्फ, फॉर अदर्स एंड फॉर एवरीवन। तो अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। बहुत 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 मैं कहूँगी जादू या मिरेकल कर सकता है। तो ये था ये वीडियो रिगार्डिंग अबाउट Using good words, and I hope ये स्टोरी से आप कनेक्ट कर पाएंगे एंड अपने शब्दों को अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि शायद आपके शब्दों में पावर है। शायद आपके शब्दों में कब लक्ष्मी माता बैठी हो, कब आपके कहे गए शब्दों से किसी का भला हो जाए या आपका ही भला हो जाए। तो ज़रूर इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। अपने मुँह से हम कहते हैं ना, कभी भी कुछ ना निकाल दें, यू नो, के ना कह दें कि भाई मैंने इसे कहा ना कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, अब क्या होगा, अब नहीं मिला तो आगे भी नहीं मिलेगा, तेरा यही चलता रहेगा, यू नो, हम जनरली ऐसी बातें करते। तो ऐसी ना करें, जितना हो सके किसी और का सहारा ही बने, किसी और को हिम्मत ही दें, वही चीज़ मैटर करती है। ज़िंदगी तो अपनी तरफा हर चीज़ के पहलू दिखाएगी, रंग दिखाएगी, बट ये अपनों का ही सहारा है, अपनों का ही प्यार है, या करीबी लोगों के ही शब्द हैं जो कई बार हिम्मत दे जाते हैं। तो ज़रूर आई होप आप इस कहानी से रिलेट कर पाए हैं, इस मॉरल ऑफ द स्टोरी से कनेक्ट कर पाए हैं, ये वीडियो से कनेक्ट कर पाए हैं। तो ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपकी क्या राय है इस वीडियो को लेकर, और इस तरीके की वीडियो और चाहते हो कि नहीं, तो ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मैं इसके ऊपर यू नो आई ट्राई माई बेस्ट टू मेक मोर वीडियोज़ ऑन सच टॉपिक्स एज वेल। सो रेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप जितने भी ये लोग वीडियोज़ देख रहे हैं वो याद रखेंगे कि अच्छे शब्दों की अहमियत क्या है और वो क्या क्या जादू कर सकते हैं आपकी ज़िंदगी में और दूसरों की ज़िंदगी में। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।